लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच कांग्रेस में भगदड़ का दौर जारी है। इसी बीच गुरुवार को मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। पूर्व सांसद डॉक्टर राम लखन सिंह के साथ पूर्व विधायक निलेश अवस्थी, अजय यादव के साथ अन्य कांग्रेस नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा न्यू ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की उपस्थिति में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने राम लखन सिंह, निलेश अवस्थी व अजय यादव को भाजपा की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। दो पूर्व विधायक और एक पूर्व सांसद राम लखन सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। पूर्व सांसद डॉक्टर राम लखन सिंह के साथ पूर्व विधायक निलेश अवस्थी, अजय यादव के साथ अन्य कांग्रेस नेताओं ने भाजपा में आस्था जताई और भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में न्यू ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की उपस्थिति में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने राम लखन सिंह, निलेश अवस्थी व अजय यादव को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर जबलपुर संभाग के कई कांग्रेस पदाधिकारियों ने भी भाजपा की सदस्यता ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति से प्रभावित होकर भिंड के पूर्व सांसद राम लखन सिंह, पाटन के पूर्व विधायक पंडित निलेश अवस्थी, खरगापुर के पूर्व विधायक अजय यादव, मध्यप्रदेश लीगल सेल कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख संगठन प्रभारी व अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी, पाटन पूर्व जनपद अध्यक्ष पंडित शैलेश अवस्थी सहित 400 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की सराहना करते हुए कहा कि नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में भाजपा परिवार बढ़ता जा रहा है। जिन भाइयों ने आज बीजेपी की सदस्यता ली है वो आज से ही काम पर लग जाएं। हमें मध्य प्रदेश में 29 के 29 सीट जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 29 कमल की माला पहनानी है। जिस क्षेत्र में आप जहां भी हैं आपका वहां पार्टी उपयोग करेगी और सरकार के अंदर भी आपके अच्छे उपयोग सुझाव होंगे तो आपका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरी अपनी ओर से आज इस अवसर पर आप सबको बधाई और हम सब मिलकर के अपने अपने क्षेत्र में जो जहाँ है ताकत के साथ अपने लोकसभा के अपने सारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और खासकर जबलपुर के बेल्ट से ज्यादा नाम दिख रहे हैं। तो जबलपुर तो हमारा पहले राउंड वाला ही है जहाँ हमारे फॉर्म भर गए, तो अब अपने को आज से ही मुकाम संभालना है। यहाँ से हम संजय भाई वगैरह सब तालियों कराएंगे नीलेश भाई, तो अपने कल हम थी से वहाँ आशीष भाई के कार्यक्रम में, तो हम सब अपने अपने मुकाम संभाल करके अच्छी ताकत के साथ जाएंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार अपने परिवार में आपका स्वागत है। मुझे लगता था कि कुछ कारण थे जिसके कारण से मैं कांग्रेस में गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कोई सुधार की आवश्यक सुधार होगा, क्योंकि वहाँ लोग अपनी सीटें नहीं छोड़ना चाहते। आप ऊपर से नीचे तक देख लो, ऊपर भी देख लो और आप विधानसभा स्तर पर भी देख लो, जो लोग टिकट मिल रहे हैं या तो उनको मिल रहे हैं, उनके लड़कों को मिल रहे हैं, उनके नातियों को मिल रहे हैं, नए लोग जो तैयार करना नहीं चाहते। और मुझे लगता है कि ऐसे पार्टी नहीं चल सकती। अब आप अच्छे कार्यकर्ताओं को जब तक आगे प्रेफरेंस नहीं करेंगे, और जो लोग सीट छोड़ते हैं यदि किसी को अन्य को मिलती है तो इनको सेकेंड नहीं लगता उसको हराने में, और जो जी जान झोंक देते हैं जिस बेल्ट पे, यदि इन लोगों के परिवारों के अलावा कभी किसी को टिकट दिया भी गया तो आप पूरा देख लो, हिसाब किताब देख लो कि वहाँ पार्टी की जमानत ही जब्त हुई है, क्योंकि जिन लोगों ने पूरा का पूरा कांग्रेस को लगभग 60-70 साल तक पूरा दोन किया है उनको सेकंड नहीं लगते हैं उस पार्टी को खत्म करने के लिए। मैं इतना कहना चाहूंगा, मैं टिकट की आस में आऊंगा। ये भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, पूरे देश में इसका वर्चस्व है। मैं कोई प्रलोभन में या लालच में नहीं आया हूँ। मेरे को समझ में आया है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ काम करना बहुत बेहतर होगा, क्यों हम लोगों को जो योजना है उनकी घर घर तक पहुँचा सकते हैं, क्रियान्वयन हो सकते हैं, हमारी सुनवाई होगी। और मुझे अपनी पार्टी में इस बात की तकलीफ है कि कहीं ना दिशा है, ना दिशा है, ना नेतृत्व है, और ना हमें समझ में आता है कि हम करें क्या। लेकिन आज हमें इस बात की खुशी है, आज इस परिवार से जुड़ने का अवसर मिला। मैं सबको आभार व्यक्त करूँगा और पूरी ताकत से ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए लग जाओ। आज जब हमारे यहाँ पार्टी के लोगों ने कहा कि जब इधर उधर के बहुत लोग आ रहे हैं तो आप तो अपने अपनी हो, पार्टी के हो, पुराने हो, तो आपको तो अब आने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो हम ठीक है हम आ जाते। जो पार्टी आदेश करेगी वो पार्टी का काम करेंगी, पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।